नमस्कार दोस्तों, आज आप एक मेडिटेशन करेंगे मेरे साथ और मैं इस वीडियो के द्वारा आपको कैसे मेडिटेशन करनी है और मेडिटेशन करते समय आपको क्या सोचनी है वो एक वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और जब भी आपको अवसर मिले आप इस वीडियो को खोल के बैठना, आप एक सही निर्णय लेंगे और आपकी जो नियर फ्यूचर है, बच्चों के नियर फ्यूचर है, वो भी बहुत बहुत ब्राइट होगी आई होप। क्योंकि मैं भी इस मेडिटेशन को करती हूँ, बच्चों से करवाती हूँ, मुझे भी बहुत बेनिफिट मिल रही है। तो आज सोचना का है नए दिन के कल्पना करते हुए स्वयं को आप नए उत्साह और उल्लास से प्रेरित करेंगे। जब मेडिटेशन करेंगे अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लाएंगे और सांस जब आप छोड़ेंगे उस समय आपको पूरी तरह से रिलैक्स करनी है, पूरी शांति की अनुभव करनी है। जब सांस छोड़ेंगे और जब सांस लेंगे आप टोटल पॉजिटिव एनर्जी को अपना बॉडी में इन करेंगे और एक एक सेल में आप उस पॉजिटिव एनर्जी को प्रवाहित करेंगे और अनुभव करेंगे। आपकी बॉडी फुल एनर्जेटिक है, फुल पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर है और एक एक सेल जहां आपकी दर्द हो, जहां आपकी कोई इरिटेशन हो, तो सारे चीज आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर हो जाएगी। सो नाउ आप सुनिए इस मेडिटेशन को और आपको आपको 45 डेज करनी है। या तो 21 दिन का आप संकल्प लेके करिए या तो 40 डेज करने से बहुत बेटर भी। मैं भी एक संकल्प लेके मेडिटेशन करी हूँ, मेरा लिंक है जैसा 3:30 को मैं करती हूँ। बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ है, उन लोग हम लोग बैठते हैं। आपको भी अगर चाहिए ना तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में या तो व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा 7683940816। नाउ लेट्स सी दैट वीडियो। सुप्रभात दोस्तों, मैं श्रेयांस डागा हूं। इस प्रातःकालीन ध्यान में आपका स्वागत। इस ध्यान सत्र के लिए हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है कि आप अपने पूरे दिन की इस प्रकार रचना करें, इस प्रकार निर्माण करें ताकि आपके विचार और भावनाएं भविष्य की परिकल्पना के साथ एकलय हो जाएं और आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण रहे। इस ध्यान के अभ्यास को आप चाहें तो अपने बिस्तर पर एक आरामदायी अवस्था में लेटे हुए कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सीधे बैठे हुए भी कर सकते हैं। हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां रखें और अपने पांवों को भी एक दूसरे पर विश्राम दे सकते हैं। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। स्वयं को वर्तमान क्षण में पूर्णतया ले आए और धीरे से अपनी जागरूकता को
अपने अंतर में केंद्रित करें और अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। एक गहरी सांस अंदर लें और जब आप सांस बाहर छोड़ें विश्रांति का अनुभव करें। एक बार फिर गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते समय अपने पूरे चेहरे को तनाव मुक्त महसूस करें। आइए नए दिन की कल्पना करते हुए स्वयं को नएपन के उल्लास और उत्साह से प्रेरित करें। और आपके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लाएं और सांस बाहर छोड़ते समय अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स महसूस करें, पूर्ण विश्रांति का अनुभव करें। अगर आप सांस लें, महसूस करें कि आप अपने भीतर अपने अंतरंग में और भी गहरे उतर रहे हैं, इस गहराई में और अधिक डूब जाएं। अपने हृदय से सांस लेते हुए अपनी भावनाओं को महसूस करें। अपनी भावनाओं के प्रति अवगत हो जाएं, उनका अवलोकन करें। अधिक गहराई से महसूस करें। हर सांस के साथ अपने हृदय को खुलने दें। जब आप हृदय केंद्र पर अपना ध्यान लाते हैं तब सज्जन का यह स्थान और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। हर सांस के साथ आप अपने हृदय को और अधिक जागृत कर रहे हैं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें। अपने अंतर्मन की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक हो जाएं। इस सृजन के केंद्र से सांस लेते हुए अपने रचनात्मक भावों को भरने दें, जैसे कि कृतज्ञता,
प्रशंसा, जीवित होने का आनंद, जीवन के लिए प्रेम, पात्रता की अनुभूति, आपके जीवन में जो भी वैभव है, जो भी आपने पाया है, उसके लिए कृतज्ञ रहें। जब हम कृतज्ञता से भरे होते हैं, तब हम समृद्धि की नींव रखते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है, उसके प्रति आभार ही समृद्धि का आधार है। महसूस करें तृप्ति, संतोष और परिपूर्णता को सभी के लिए जिनसे आपका जीवन आशीर्वादित है। जो पर्याप्त का अनुभव करेगा, वह हमेशा पर्याप्त होगा। हृदय में सराहना के भाव को महसूस करें, क्योंकि आप जिसकी सराहना या बड़ाई करेंगे, वह और बढ़ेगा। महसूस करें कृतज्ञ हृदय चमत्कारों को आकर्षित करता है। इस क्षण आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, उसके लिए सच्ची सराहना को महसूस करें। आज का यह नया दिन आपके लिए नई शुरुआत है। हर नया दिन नई उमंग और नए सुअवसरों को लेकर आता है। यह जगत संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ है और वह आपके नए सपनों को पूरा करने के लिए, आपके नए संकल्पों के अनुसार खुद को ढालने के लिए बड़ी आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मैं आपसे जो भी कहने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे एक एक शब्द को महसूस करें, मेरे हर एक शब्द को दिल से सुनें और उससे उजागर होने वाले भावों को दिल से महसूस करें, अपने रोम रोम में महसूस करें। आज
इस संसार में आप एक नया कदम रखने वाले हैं। अपने हर कदम को इन भावों के साथ उठाएं। असीम प्रेम, अपार कृतज्ञता, गहन विश्वास, अत्यधिक नम्रता, खुलापन, सौम्यता, सजगता, स्वतंत्रता, जागरूकता, पूर्णता, सुख समृद्धि, मैत्री भाव, क्षमा भाव, सेवा भाव, जीवन शक्ति, आत्मविश्वास, हास्यपूर्णता, जोश और उल्लास, रोमांच और साहस, उद्देश्यपूर्ण, सच्चापन, परम ज्ञान, गहरी प्रशांति, सादगी, सहयोग, सामंजस्य, मानवता,
वेदनशीलता धैर्यशीलता ग्रहणशीलता और करुणा ऐसा कुछ भी नहीं जो आप में नहीं। आपको जो भी चाहिए वह आपके अंदर जीवंत है। हर कार्य को जोश और उमंग के साथ करते हुए इस भावना को याद रखें। भावनाओं से प्रेरित होकर प्रयास करें। इन भावनाओं को हर पल हर दिन जिएं। और अब वह समय आ गया है जब आप अतीत की यादों को छोड़कर भविष्य की मनोकामना की ओर अग्रसर हों। अतीत की यादों को धुंधला हो जाने दें। भविष्य के सपनों को वर्तमान में जिए। और नई अवस्था में प्रवेश करें। परावस्था से वास्तविकता का सृजन करें। भविष्य की वह कौन सी अभिलाषा है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है? सृष्टि अनंत संभावनाओं से व्याप्त है। ऐसी कौन सी संभावना है जिसे आप चुनेंगे? भविष्य की कल्पना करें, उसका अंगीकार करें। महसूस करें कि आप उस भविष्य की मनोकामना को जी रहे हैं। इस भविष्य का साफ और स्पष्ट चित्र देखें। मानो कि वह इस क्षण में प्रत्यक्ष रूप ले रहा है। आज का दिन एक कोरा कागज है, इसे आप अपने मन चाहे रंगों से भर सकते हैं। अपने रंगों को सजगता से चुनें।
और अपनी कल्पना को वास्तविकता से रंग दें। यह कल्पना आपसे अलग नहीं है, भविष्य की छवियों को भरने दे। और महसूस करें कि आपकी सारी इच्छाएं अब पूरी हो रही है। अभिलाषा को स्पष्ट रूप से देखें और उससे जुड़ी हुई उत्कृष्ट भावना को महसूस करें। अगर आपके सपने सच हो जाएं तो आपको कैसा महसूस होगा? आप जो अंदर महसूस करते हैं वही बाहर घटित होता है। उस उत्कृष्ट भावना पर केंद्रित रहें। अनुभव आपके बाहर नहीं है। कल्पना करें, महसूस करें। अपने लक्ष्य को भावनात्मक स्वरूप दें, क्योंकि वह आपकी भावना ही है जो आपके स्पंदनों को वास्तविकता में बदल देती है। प्रतिरोधों को छोड़ें, इच्छाओं को नहीं। शरीर को भावनात्मक रूप से सिखाएं कि भविष्य का एहसास कैसा होगा। और उस नई अवस्था में प्रवेश करें। जब आपकी ऊर्जा रूपांतरित होती है तब आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। आइए अपने हृदय को खोलें। अब भविष्य में कदम रखने का समय आ चुका है। विश्वास करें, आप जो चाहते हैं अब वह आपके पास है। विश्वास करें, आप जो बनना चाहते हैं वह आप बन चुके हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप इसके पात्र हैं तो प्रकृति आपको वह प्रदान करेगी।
आज आप क्या करना चाहेंगे? आज आप कैसे बर्ताव का प्रदर्शन करना चाहेंगे? कौन सा अनुभव आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? उसका एहसास क्या होगा? इस भावना के साथ बने रहें। प्रकृति का नियम है, जब आप कामना करते हैं तब आप सिर्फ मांगने की अवस्था में होते हैं, किंतु जब आप उसे महसूस करते हैं तभी आपकी अवस्था उसे पाने की होती है। आप जो महसूस करते हो वही सच हो जाएगा। आपके मन चाहे जीवन की रचना करते हुए उमंग और उल्लास को महसूस करें। और अब अपने आप को याद दिलाएं, आप क्या नहीं करना चाहेंगे? आज आप कैसा बर्ताव नहीं करेंगे? आज आप कौन से अनुभव से दूर रहेंगे? कौन सी सीमित भावनाएं हैं जिसको अब आप महसूस नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि वे सीमित भावनाएं आपको अतीत की यादें और पुराने स्वरूप में वापस ले जाएगी। अब आप भय और सीमितताओं के सभी बंधनों से मुक्त हैं। बुद्धिमत्ता इसमें है कि आप उन सारे विचारों की उपेक्षा करें जो आपको कमजोर करते हैं और उन सारे विचारों को अपना लें जो आपको सशक्त करते हैं। याद रखें, जो आपको विकसित नहीं करते वो आपको आकर्षित नहीं करते। मन की उच्चतर अवस्था में रहते हुए साक्षी बन जाए। आज आप अतीत के गुलाम नहीं, अपने भविष्य के शिल्पकार हैं। और अब हे दिव्यात्मा, हे भाग्य विधाता, अपने दिव्य हृदय पर, अपनी आत्मा पर ध्यान ले जाते हुए स्वयं को केंद्रित करें। अपार करुणा, प्रेम और दयालुता को महसूस करें।
इस नए दिन के लिए, आपके नए स्वरूप के लिए और नए जीवन के लिए कृतज्ञता अर्पित करें। आप जितना ज्यादा कृतज्ञ भाव महसूस करेंगे, आपका नया जीवन उतना ही ज्यादा आपकी ओर खींचा चला आएगा। कृतज्ञता और उत्सुकता की इस भावना के साथ जुड़े रहें। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देती है। आइए कृतज्ञता के इस भाव को बनाए रखते हुए अब मैं आज के दिन के लिए कुछ अभिकथन अर्थात शक्तिशाली और प्रेरणादायी सकारात्मक वाक्यों को कहूंगा। आप चाहें तो इन अभिकथन को मन ही मन दोहरा सकते हैं। तो आइए शुरू करें। आज का दिन बहुत शुभ और मंगलमय है। यह मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। मेरा दिन सुअवसरों से भरा हुआ है। वर्तमान का मैं स्वागत करता हूं। बिना किसी प्रतिरोध के जीवन की हर परिस्थिति को मैं स्वीकार करता हूं। मेरे अंदर उच्चतम क्षमताएं निहित है और मैं बड़ी सहजता से अपने सारे लक्ष्यों को मुकम्मल कर रहा हूं। मैं जो पाना चाहता हूं उसे मैं सहज ही आकर्षित कर रहा हूं। जो मेरा है वह मुझे खोज ही लेगा। मेरे सारे काम बहुत सरलता से पूरे हो रहे हैं। मैं जीवन शक्ति से भरा हुआ हूं। मैं दिन प्रतिदिन और भी युवा हो रहा हूं। दिन प्रतिदिन मेरा आरोग्य और भी बेहतर हो रहा है। प्रेम मेरी सारी भावनाओं का आधार है। मेरा परिवार और स्वजनों के साथ बहुत गहरा और विशेष संबंध है।
मैं ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता हूँ जो मेरे जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाने में सहायक है। पूरी सृष्टि मेरे हित के लिए कार्यरत है। मैं अत्यधिक संपन्न हूं। मेरे जीवन में अपार धन संपदा की वृद्धि हो रही है। दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से न लेने में जो स्वतंत्रता मिलती है, मैं उस आनंद के एहसास में रहता हूं। मैं मेरे विचारों और भावनाओं पर आत्मनियंत्रण रखने में निपुण हूं। मैं जानता हूं कि भावना से भाग्य बदलता है। मैं जानता हूं कि मेरी क्षमताएं चुनौतियों से सदैव बड़ी हैं, क्योंकि चुनौतियां और समस्या और कुछ नहीं बल्कि अलग भेष में छुपे हुए सुअवसर हैं। मैं परम शक्ति को समर्पण करता हूं। मुझे यकीन है कि मैं पूर्णतः सुरक्षित और सलामत हूं। तो हे देवी आत्मा, यह जाने कि जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए है। आपके कर्म आपके संकल्पों और परिकल्पनाओं से प्रेरित हों, ना कि वर्तमान की सीमित परिस्थितियों से। आप अनंतता की अनुपम अभिव्यक्ति हैं। आपका जीवन अनमोल है। आपका जन्म किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए हुआ है, किसी खास वजह से हुआ है। अपने आप से पूछें कि वह क्या उपहार है जिसे आप इस संसार के साथ बांटना चाहेंगे। मेरे लिए क्या है, ऐसा पूछने के बजाय इस जगत से पूछें, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। और फिर पूरी कायनात आपकी सेवा करेगी। और अब हे धन्य आत्मा, आज के इस दिव्य दिन का आरंभ करते हुए उस परम चेतना से, उस प्रेमल प्रज्ञान से एक संकेत देने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि वह आपके सपनों को ऐसे अनोखे अंदाज में सच कर दे कि आप चकित रह जाएं और आपके मन में कोई संशय ना रहे, आपको अपार विस्मय का अनुभव हो।
लें, महसूस करें, मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें और संपूर्ण जीवन के प्रेम को आलिंगन करें। प्रेरित हों, उन्नत हों, महसूस करें कि आप अजय हैं, महसूस करें कि आप सशक्त हैं, महसूस करें कि आप वैभवशाली हैं, अपने हृदय में इस भावना को सहेज के रखें, इस भावना को याद रखें, इसे पूरे दिल से याद रखें। और अब अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपनी जागरूकता को अपने नए शरीर में, नए वातावरण में, नए संसार में, नए समय में वापस ले आए। मेरे साथ आपके दिन की शुरुआत करने के लिए, मुझे अपने सुनहरे दिन का हिस्सा बनाने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप तैयार हों, आप धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर उन्हें अपनी सुंदर आंखों पर रख सकते हैं। पांच, चार, तीन, दो, एक। धीरे से अपनी आंखें खोल दे और वर्तमान क्षण में वापस आ जाए। ताजगी और प्रेरणा को महसूस करते हुए वापस आ जाए। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय उत्कृष्ट रहे, यही मेरी शुभकामना है।